नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के तहत आपको राजस्थान शिक्षा विभाग DPC को लेकर के आज की 2 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाले हैं। DPC होने के जो है संकेत मिल रहा है कि शीघ्र DPC होगी इसको लेकर के, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप शिक्षा विभाग से संबंधित हर प्रकार की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले भी DPC को लेकर के हमारे पास जैसी भी अपडेट आई वह आपको दी जाती रही है। अब जान लेते हैं आज की अपडेट। यहाँ पर सबसे पहली खबर देख सकते हैं, 2 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट आपको आज की दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। सामान्य कैवेट नोटिस, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा वरिष्ठ अध्यापक से प्राध्यापक पद की वर्ष 21-22 से 23-24 तक की विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी विद्वान साथियों को विदित है, इससे संबंधित होने वाले संभावित न्यायिक प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय अधिवक्ता हेमंत चौधरी जी व विशाल जांगिड के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सामान्य कैवेट यानी जनरल कैवेट प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक से प्राध्यापक पद पर जो 21-22 से 23-24 तक की जो विभागीय पदोन्नति है उसके लिए यहाँ पर कैवेट प्रस्तुत किया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में। अतः सर्वसाधारण को ज्ञात रहे कि इस विषय में यदि कोई भी प्रभावित व्यक्ति एकल अथवा खंडपीठ में रिट याचिका प्रस्तुत करे तो उसकी एक अग्रिम प्रतिहस्ताक्षरता को उपलब्ध करावे। तो एक तो यह पहली खबर, सामान्य केवी नोटिस इस हेतु जारी हुआ है। और इसके बाद में बढ़ते हैं अब अगली अपडेट यहाँ पर। एक और इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण अपडेट बताई जाएगी राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की ओर से। क्या अपडेट है जान सकते हैं यहाँ पर। प्रतिष्ठा में माननीय निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को पत्र विषय में शून्य मेरिट के व्याख्याताओं को वरिष्ठता सूची में शामिल करने बाबत। आप देख सकते हैं जो शून्य मेरिट की व्याख्याता हैं उनको उपरोक्त विषयांतर निवेदन की RPSC भर्ती 2015 रेसफल परिणाम से मुख्य वरीयता सूची से प्रभावित हुए व्याख्याताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चयन सुरक्षित रखते हुए उन्हें यथावत रखा गया था, जिनका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार विभाग द्वारा स्थायीकरण कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये RPSC भर्ती 2012 रिसफल परिणाम से। अब RPSC द्वारा इन्हें मेरिट भी आवंटन किया जा चुका है, वह मेरिट नंबर आपके कार्यालय को 7वां प्राप्त हुआ है यहाँ पर शिक्षा विभाग। अतः संगठन जी हाँ ये अनुग्रह कर रहा है, आग्रह कर रहा है इनसे कि इन व्याख्याताओं को वरिष्ठता सूची में नाम शामिल करके इनको अनुग्रहित करें। तो ये राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की ओर से शून्य मिनट के व्याख्याताओं को वरिष्ठता सूची में शामिल करने हेतु पत्र यहाँ पर और आग्रह किया गया है। अब आपको और अपडेट यहाँ पर बता देते हैं, जो कि जैसा कि आपको विदित होगा इस बारे में, आखिरकार वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की होगी पदोन्नतियाँ। अब जारी होगी स्थायी वरिष्ठता सूची। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों की अस्थायी पात्रता सूची पर आज मतलब कल की अपडेट है, कल तक आपत्तियां इस हेतु मांगी गई थी। जान लेते खबर, शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठ अध्यापकों से विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों पर पदोन्नति के लिए आखिर 3 साल बाद अस्थायी पात्रता सूची जारी करने पर राहत मिली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जो अस्थायी पात्रता सूची जारी कर रही है उन पर आपत्तियां मांगी गई थी और 14 मार्च तक का उनके लिए समय दिया गया था। 14 मार्च तक संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक को ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी थी। इसके बाद विभाग प्राप्त आपत्ति को निस्तारण करते हुए स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करेगा। आप देख सकते हैं इसके बाद में वरिष्ठता सूची जारी होगी, जिसके आधार पर वर्ष 21-22 से लेकर के 23-24 तक के विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों की DPC कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और विभाग ने 21-22 से 23-24 तक की DPC के लिए यह पात्रता सूची जारी की है, जैसा कि आपको विदित है। और इस सूची में 47,175 वरिष्ठ अध्यापकों के नाम शामिल है, जो कि व्याख्याता पदों पर पदोन्नति के अस्थायी रूप से पात्र माने गए हैं। संशोधन के बाद जारी की गई थी सूची। यह अस्थायी पात्रता सूची राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम जो 2021 है उसके बाद में जारी की गई थी। कार्मिक विभाग की ओर से इस हेतु 7 फरवरी 2024 को जो है संशोधन किए गए थे। और कार्मिक विभाग ने उन वरिष्ठ व्याख्याताओं
अध्यापकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माना था जिन्होंने 3 अगस्त 2021 से पहले स्नातक स्तर से भिन्न विषय में यहाँ पर स्नातकोत्तर की योग्यता अर्जित की थी। इस आधार पर संशोधन इसमें हुआ था। इसी तरह अगर बात करें प्राध्यापक जीव विज्ञान के पद पर तो पदोन्नति के लिए उन वरिष्ठ अध्यापकों को पात्र माना गया था जिन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से अस्थायी वरिष्ठता सूची में यदि बात करें म्यूजिक ड्राइंग और होम साइंस यहाँ पर इन विषयों को लेकर के तो और कॉमर्स और एग्रीकल्चर साइंस विषय के वरिष्ठ अध्यापकों के नाम शामिल नहीं थे। इनकी अस्थायी पात्रता सूची अलग से जारी की जाएगी, ये भी आपको विदित होगा जब इनका आदेश जारी हुआ था। तत्कालीन सरकार ने शिक्षकों की मांग को लेकर कर लिया था स्वीकार। शिक्षक संगठन लंबे समय से बकाया 3 साल की डीपी सिखाने की मांग कर रहे थे और विभाग ने इसको माना आखिरकार। और अब पहले बीच में ये आचार संहिता में ये मामला जो है अटक गया था। अब उम्मीद करते हैं साथियों कि शीघ्र ही जो है शिक्षा विभाग स्थाई जो लिस्ट है जी हाँ वो स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करेगा प्राध्यापक को लेकर के। जैसे ही साथियों कोई और अपडेट आएगी आपको वैसे इस बारे में सूचित किया जाएगा। तो आज की ये 2 से 3 अपडेट थी शिक्षा विभाग डीपीसी को लेकर के। उम्मीद है साथियों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर प्रकार की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी आपको अवश्य इस बारे में सूचित किया जाएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।